हेलो एवरीवन, दिस इज़ साक्षी वैष्णवी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, इस वीडियो में हमारा जो एग्ज़ाम है जैब, इसका जो पेपर 1 है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, इसका मॉड्यूल B फंक्शंस ऑफ बैंक का टॉपिक डीरेगुलेशन ऑफ सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट रेट। As the name suggest, क्या होगा इस पर्टिकुलर टॉपिक में कि जो सेविंग बैंक इंटरेस्ट रेट है वो डीरेगुलेट किए गए थे। अब ये कब डीरेगुलेट किए गए थे और इसके अंदर जो है क्या क्या प्रोविजंस दिए थे आरबीआई ने। दैट मीन्स कि आरबीआई ने ये तो बोल दिया कमर्शियल बैंक्स को कि अब जो है सेविंग बैंक इंटरेस्ट रेट जो है या सेविंग डिपॉजिट्स पर, सेविंग अकाउंट्स पर जो इंटरेस्ट रेट है वो सारी जो कमर्शियल बैंक्स है वो अपने हिसाब से क्या कर सकती है, रख सकती है। अपनी जितना भी उन्हें रखना है 3%, 4%, 5%, जितना भी परसेंट रखना है वो रख सकते हैं। एज सच कोई आरबीआई का कंपल्शन नहीं रहा, लेकिन उसके अंदर भी कुछ ना कुछ प्रोविजंस जो है आरबीआई ने दिए कि अगर आप इंटरेस्ट रेट जो चेंज कर रहे हो अपने हिसाब से अगर रख रहे हो तो ये पर्टिकुलर नॉर्म्स के अंदर होने चाहिए। और कब जो है ये डीरेगुलेशन हुआ था इस चीज को देखेंगे हम इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। As per the guidelines from RBI, the saving bank's deposit interest rate was deregulated with effective from October 25, 2011. 2011 से जो है ये सेविंग डिपॉजिट्स पर जो इंटरेस्ट रेट है इसे क्या कर दिया गया था, डीरेगुलेट कर दिया गया था। Banks are free to determine their saving bank's deposit interest rate subject to the following two conditions applicable to deposit of resident Indians. A uniform interest rate should be set on deposits up to ₹1 lakh, irrespective of the amount in the account within this limit. ऑलराइट, क्या बोला गया, फर्स्ट वाला प्रोविजन क्या बोला गया कि जो एक जो है यूनिफॉर्म इंटरेस्ट रेट जो है वो रखना है बैंक्स को फॉर द डिपॉजिट अप टू ₹1 लाख। अगर 1 लाख से कम का अगर कोई जो है अमाउंट है किसी भी डिपॉजिट में तो भी उस पर जो है यूनिफॉर्म इंटरेस्ट पे करना रहेगा। For any end of the day balance over 1 lakh, different rates of interest may be provided. 1 lakh के ओवर अगर कोई भी जो है ट्रांजेक्शन है या कोई भी डिपॉजिट है तो उस पर जो है डिफरेंट इंटरेस्ट रेट जो है वो पे किए जा सकते हैं। जैसे कि ये बोल सकते हैं कि जो बैंक से उनका कोई अगर उन्हें कोई जो है डिफरेंट स्लैब रखना है कि 1 लाख तक वो इतना इंटरेस्ट पे करेंगे, अगर 1 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट है तो इतना जो है इंटरेस्ट पे किया जाएगा। इस वे में जो है अकॉर्डिंगली अगर 1 लाख से ज़्यादा कोई डिपॉजिट है तो उस पर जो है इंटरेस्ट जो है वो वेरिएट कर सकता है, उसमें जो है वेरियस जो है इंटरेस्ट प्रोवाइड किए जा सकते हैं। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट बाय बैंक्स इज कैलकुलेटेड ऑन अ डेली प्रोडक्ट बेसिस विद इफेक्ट फ्रॉम April 1, 2010। जो पेमेंट है वेरियस सेविंग बैंक अकाउंट्स के किसी भी बैंक पर वो कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, डेली प्रोडक्ट बेसिस पर कैलकुलेट किए जाते हैं विथ इफेक्ट फ्रॉम 2010। जो डीरेगुलेशन है वो 2011 में हुआ था, लेकिन जो ये जो डेली प्रोडक्ट बेसिस है इस पर कैलकुलेशन जो है वो 2010 से ही क्या हो गया था, स्टार्ट हो गया था। बैंक्स विल नॉट डिस्क्रिमिनेट इन द मैटर ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट्स बिटवीन वन डिपॉजिट एंड अनादर ऑफ द सिमिलर अमाउंट एक्सेप्टेड ऑन द सेम डेट एट एनी ऑफ इट्स ऑफिसेस। बैंक्स जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। दैट मीन्स अगर एक बैंक है, लेट्स से HDFC, ठीक है, HDFC का अगर कोई भी जो है इंटरेस्ट रेट हमने बोला कि सेविंग बैंक्स अकाउंट पर मान लीजिए ये जो है 4% का इंटरेस्ट पे करते हैं, सो दैट मीन्स कि हर एक ब्रांच में 4% का इंटरेस्ट पे किया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि HDFC की एक ब्रांच में जो है 5% दे रहा है, एक में 4 दे रहा है, ये नहीं होगा। सारी की सारी पूरी कंट्री में जितनी भी HDFC की ब्रांच होगी सभी पर जो है 4% का क्या किया जाएगा, इंटरेस्ट पे किया जाएगा। नाउ ये डिपेंड करता है कि जैसे कि बैंक्स होती है उनका जो है टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग भी इंटरेस्ट रेट चेंज होता रहता है। जैसे कि जो है 1 मंथ के लिए कुछ इंटरेस्ट रेट चला, फिर अगर हम बाद में कभी जा रहे हैं अकाउंट ओपन करवाने के लिए इंटरेस्ट रेट चेंज हो सकता है, तो ये चीज़ पॉसिबल है। तो इसीलिए यहाँ पर प्रॉपरली क्या लिखा गया कि सेम डे पर अगर कोई सेम अमाउंट जो है डिपॉजिट किया जाता है बाय डिफरेंट कस्टमर्स इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द सेम बैंक तो उस पर जो इंटरेस्ट है वो सेम होगा। क्योंकि अगर मैं आज की बात करूं तो आज की बात में अगर मान लीजिए HDFC की जो अलग अलग ब्रांचेस हैं वहां पर मान लो अलग अलग कस्टमर्स गए और उन्होंने जो है 50,000 जो है अमाउंट वहां पर डिपॉजिट किया है तो उन सभी को सेम इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ये नहीं कि एक ब्रांच पर अलग पे कर रहे हैं, एक ब्रांच पर अलग पे कर रहे हैं। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये अलाउड नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है, सिमिलैरिटी रहनी जरूरी है। ठीक है, then banks are free to determine their interest rate on both saving deposits and term deposits under non-resident external rupee NRE deposit accounts and non-resident ordinary that is NRO accounts also। NRE accounts, NRO accounts and जो ये different kinds of accounts होते हैं ये हम लोग already जो है पढ़ चुके हैं कि ये क्या होते हैं, and I hope so कि आप लोगों ने वो वीडियो भी देख लिया और आप लोगों को अच्छे से पता भी है कि ये क्या होता है। If in case आपने वो वीडियो skip कर दिया हो तो पहले जाकर जो है उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को जो है ये जो वेरियस अकाउंट्स हैं इनके जो वेरियस प्रोविजंस वगैरह इनके जो वेरियस नॉर्म्स हैं वो अच्छे से जो है आप लोगों को समझ में आ जाए एंड आप लोगों को पता चल जाए कि अच्छा किस किस अकाउंट में क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, सो अगर हम बात करें कि एनआरई अकाउंट्स एंड एनआरओ अकाउंट्स की, दैट मीन्स जो नॉन रेसिडेंट के अकाउंट्स होते हैं उनमें जो है बैंक्स फ्री है वो इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन कर सकती है फॉर सेविंग डिपॉजिट्स ऑल्सो एंड टर्म डिपॉजिट्स ऑल्सो। वहीं अगर हम हमारे रेसिडेंट्स की बात करते हैं तो इसमें जो है इसमें भी जो है डिटरमाइन किया जा सकता है इंटरेस्ट रेट बाय द बैंक फ्रीली ऑन देयर ओन बेसिस। और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि अलग अलग बैंक में जो ये सेम काइंड ऑफ अकाउंट्स भी होते हैं, जैसे कि सेविंग अकाउंट ही ले लीजिए, आपको HDFC में कुछ और जो है क्या मिलेगा, इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ICICI में कुछ और होगा, एक्सिस बैंक में कुछ और होगा, SBI में कुछ और होगा, थोड़ा बहुत जो है स्लाइट डिफरेंस आपको हर एक बैंक में देखने को मिलता ही है। राइट, सो दैट मीन्स कि ये सीधा सीधा क्या बता रही है कि हर एक बैंक के पास में फ्रीडम है कि वो अपने हिसाब से जो सेविंग जो रेट है इन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट्स है वो क्या कर सकती है, इम्प्लीमेंट कर सकती है एज पर देयर विश। ऑल राइट, सो बस ये इतना सा सिंपल सा हमारा टॉपिक था, दैट वाज डीरेगुलेशन ऑफ सेविंग बैंक्स, इंटरेस्ट रेट, जो कि आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। नाउ इस वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, दैट इज इन वीडियोज़ को आप लोग अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपको गूगल ओपन करना है, वहाँ पर आपको सर्च करना है www.magnetbrains.com, तो जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। इसे आपको स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपको वेरियस कोर्सेज अवेलेबल दिखेंगे, उनमें से एक कोर्स दिखेगा आपको जैब एंड कैब, आपको उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने से जो इसके अंदर की जो प्लेलिस्ट है वो आपको विजिबल हो जाएंगी, इनमें से आपको जिस भी पर्टिकुलर कोर्स का टॉपिक पढ़ना है उस पर आपको क्लिक करना होगा, आपके पास में जो वेरियस टॉपिक्स है उसकी लिस्ट आ जाएगी। वहाँ से आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है उसके वॉच नाउ पर क्लिक कीजिए, उसके वॉच नाउ पर क्लिक करने से जो वीडियो है वो प्ले हो जाएगा। ऑल्सो हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स कॉम्पिटिशन, आप लोग उसे सब्सक्राइब करें, इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड प्लीज़ डू लाइक द वीडियोज़। थैंक यू।